हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा पहले ब्लॉग में, हम लोग पहुंच चुके हैं इंदौर। और इंदौर से आज हम लोग जाने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट डे इंदौर पहुंचने में हम लोग की ट्रेन लगभग 10:30 बज गया था रात का। फिर अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग फटाफट रेडी हुए और फिर हम लोग निकल गए उज्जैन महाकाल के लिए। उज्जैन महाकाल हम लोग बाइक से गए थे। इस ब्लॉग में आप महाकाल के मतलब दर्शन क्या, अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ महाकाल टेंपल का दिखाऊंगी मैं आपको। साथ साथ में हम लोग ओमकारेश्वर गए थे जो कि वहाँ से 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ भी हम लोग गए थे। तो बहुत कुछ होने वाला है इस ब्लॉग में, तो ब्लॉग पर एंड तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है उज्जैन नगरी और यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर के ही टेम्पल है। तो हम लोग वहाँ ईशान बहुत इंजॉय कर रहे थे, ईशान के यहाँ से डमरू चाहिए था। फिर हम लोगों ने ईशान को डमरू वगैरह दिलाया। यहीं पे थोड़ा सा आगे चल के वहाँ पे फ़ोन बैग ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं और फिर वहाँ से हमें जाना होता है वह टेम्पल के अंदर। तो यहाँ से अगर आप लेना चाहते हैं तो ये महाकाल वाली टी शर्ट ले सकते हैं, बहुत सारे लोग अंदर पहने हुए मिलते हैं। फिर महाकाल के दर्शन करके हम लोग आ गए। लगभग हम लोग को 1.5-2 घंटा लग गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम से हम लोग जाते रहे। और फिर ये देखो हम लोगों ने ली है यहाँ पे 120 रुपये का खाना, और 120 रुपये के खाने में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छा खाना था। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोगों ने अपना बाइक का हेलमेट रख दिया था और बाइक खड़ी कर दी थी, इनके CCTV कैमरे वगैरह लगे हुए थे तो बाइक सेफ थी यहाँ पर। ये मंदिर से थोड़ा ही दूरी पर था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया जब हमने बाइक ली और हेलमेट लिया। बैग वगैरह आप लोग यहाँ पे जमा कर सकते हैं। फ़ोन अंदर जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे अलग से काउंटर बना है, फ़ोन वहाँ पे जमा हो जाते हैं और जब आप वापस आएँ तो अपना फ़ोन वहाँ से ले सकते हैं, तो बिल्कुल ही सेफ़ है। फिर वहाँ से निकल के हम लोग गए भैरव बाबा के मंदिर, क्योंकि ऐसा बोला जाता है काल भैरव जाना बहुत ज़रूरी है, वरना महाकाल के दर्शन आपके अधूरे माने जाते हैं। तो बाइक पर ईशान सो गए थे तो ईशान अभी गोद में है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जितनी उज्जैन महाकाल में भीड़ नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा भीड़ काल भैरव में थी। भैरव में दर्शन किए, फिर उसके बाद हम लोग वापसी में आते टाइम राम घाट गए थे। यहाँ पे ये राम घाट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, मतलब पूरे दिन की थकान जो थी यहाँ पे आके एकदम ऐसा लग रहा था कि बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, और ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन काई वगैरह बहुत थी और पानी भी उतना साफ़ नहीं था। तो इन लोग का ईशान और ईशान के पापा का मन हो गया कि इसमें हमें नहाना है। कपड़े मैं ऑलरेडी रख के लेके गई थी क्योंकि वहाँ पता था कि घाट है तो हो सकता है ये लोग नहाने लग जाए। चिकना है, बस बस खड़े नहीं हो, खड़े नहीं हो। चिकना है पता है? डूबूंगा तो ओम नमः शिवाय करूंगा। राम घाट के बाद हम लोग पहुंच गए महाकाल लोक कॉरिडोर, जो कि अभी नया नया बना हुआ है और बहुत सारे लोग इसे देखने आ रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, पूरा लोग, कुछ लोग तो ऐसे थे जो लोग सिर्फ स्पेशली यहीं घूमने के लिए आ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने भी यहाँ पे एंट्री की और ये बहुत सुंदर बना हुआ था, मतलब बहुत सुंदर बना हुआ था, बहुत जगह में बना हुआ था। और यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग शाम को ही जाएँ, रात को ही जाएँ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से आप उतना अच्छे से नहीं घूम पाते हैं। लेकिन अगर आप शाम को जाएंगे तो जो लाइटनिंग का इफेक्ट होता है, जो लाइट जल रही होती है, जो फब्बारे चल रहे होते हैं,
बहुत सुंदर लगते हैं। ईशान बहुत इंजॉय कर रहे थे, पूरा दिन का ईशान थका हुआ था। हम लोग सुबह 8-9 बजे निकल गए थे और अभी लगभग शाम का 6 बज रहा है और ईशान में फुल एनर्जी है एकदम। ईशान पूरा भागे भागे घूम रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं क्योंकि बहुत बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे और सारा घूमने की जगह है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति पड़ती है। ये आप महाकाल लोक में आप अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर की साइड से भी एंट्री कर सकते हैं और दूसरी तरफ से भी एंट्री है इसकी, तो वहाँ पे सबसे पहले यही मूर्ति पड़ती है और बहुत सुंदर था ये। ईशान ने मंदिर के बाहर से एक सांप ले लिया था और वो सबके ऊपर फेंक फेंक के सबको डरा रहा है और सब लोग बच्चे की वजह से ऐसे हो जा रहे हैं कि डर जा रहे हैं एकदम से। महाकाल लोक इतना बड़ा है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लेके नहीं जा रहा है, आप इसको मान लीजिए 2-2.5 घंटे में आप अच्छे से इसको घूम पाएंगे। अगर आप ज़्यादा टाइम लेके नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपके हो सकता है कि मुश्किल हो, और इस तरीके की गाड़ियाँ भी चलती हैं यहाँ पे, तो आप गाड़ी पे भी बैठ के जा सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं। इसके बाद हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था निकलने में, 8 बज गया था, तो हम लोग सीधा यहाँ से निकल गए। रात को बस खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे और फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर रेडी हुए फटाफट से। सुबह 8 बजे के लगभग करीब हम लोग ओमकारेश्वर के लिए निकल गए थे क्योंकि ओमकारेश्वर की भी डिस्टेंस इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर है और यहाँ हमें एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। बहुत सुंदर डैम बना हुआ था और यहाँ पे वो लोग हमें संगम पे लेके जा रहे थे क्योंकि हमारी बोट में कुछ लोग ऐसे थे जिनको नहाना था, स्नान करना था संगम पे जाके, तो वहाँ तक बोट से जाते हैं और ये बोट वाले लगभग ऐसे ही चार्ज लेते हैं, अपने मन से ले लेते हैं, किसी से 50 रुपये पर पर्सन ले लेते हैं और अगर पूरी फैमिली होती है तो 200-300 रुपए में भी ये संगम तक पहुंचा देते हैं। ईशान बहुत एक्साइटेड है, बहुत सारी चीज़ें ईशान के लिए पहली बार हो रही थी, जैसे कि बोट पे बैठना, इतना सारा पानी देखना, नदी देखना, ये सब चीज़ें ईशान के लिए पहली बार हो रही थी। बहुत गहरा पानी था, बहुत सुंदर था और मतलब ये बेस्ट चीज़ थी ओमकारेश्वर की। और फिर यहाँ से स्नान करने के बाद सीधा हम लोग मंदिर में जाएंगे। फिर वहाँ पर भी मोबाइल अलाउड नहीं था तो मोबाइल हम लोग नीचे ही जमा करके गए थे, जहाँ से फूल माला वगैरह ली थी वहीं पर रख दिया था और उसके बाद हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए और फिर सीधा हम लोग वापस हो गए घर के लिए।